बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आखिरकार अपनी पगड़ी मुरेठा को उतार दिया है। सम्राट चौधरी का पगड़ी पहनना बीते कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ था, पर आखिरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी रामनगरी में अपनी पगड़ी उतार दी है। उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाकर इस काम को पूरा किया। सम्राट चौधरी की पगड़ी की चर्चा इसलिए हो रही थी कि सम्राट ने कहा था कि जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देंगे वो पगड़ी नहीं उतारेंगे। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्सप्रेस से लेकर एक पोस्ट भी किया है और सम्राट चौधरी ने बताया कि बीते 22 महीने से उनके पास मौजूद इस पगड़ी को वो भगवान श्री राम को समर्पित कर चुके हैं। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने साल 2022 में कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाऊंगा तभी मुरेठा खोलूंगा। उन्होंने नीतीश कुमार को ये चैलेंज किया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने से उन्हें सत्ता से हटाने का सपना टूट गया, तो दूसरी तरफ कसम भी टूट गई। अब सम्राट चौधरी अयोध्या में सरयू में डुबकी लगाकर प्रभु श्री राम के चरणों में मुरेठा खोल चुके हैं और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार किंगमेकर की भूमिका में आ गए। मतलब नीतीश बीजेपी के लिए बड़ी जरूरत बन गए और केंद्र की मोदी सरकार में जहां जेडीयू के दो नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली, वहीं बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्र नेतृत्व को भी ये ऐलान करना पड़ा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी समेत किसी भाजपा नेता के सीएम बनने की दावेदारी भी तत्काल खारिज की जा चुकी है। मुरेठा उनके समर्पण करने आया हूँ और पिछले दो साल से हम लोग लगातार बिहार में एक अभियान चलाकर इंडी गठबंधन के सरकार को हटाना था और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 28 जनवरी को वो गठबंधन छोड़कर हमारे साथ मुख्यमंत्री हुए और हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये हम लोगों ने तय किया कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करने का काम करूंगा। एकदम कोई ये यदि सोच रहा है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्ण रूप से बिहार की जनता ने भी 75% से अधिक सीटें भी हमको जिताने का काम किया और साथ ही साथ महागठबंधन अब पूरी तरह कंफ्यूजन में ना रहे, पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर बिहार में 40 की 40 सीट और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 243 में 200 से अधिक सीटें। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।